हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और वीडियो टाइटल तो आपको पता चल ही गया होगा, आज गोप्रो के बारे में है, तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे इन डेप्थ। एक कंफ्यूजन जो लोगों को मेजरली ये होता है कि किससे शूट करें, मतलब अगर व्लॉग शूट करें तो किससे शूट करें, कैमरा यूज करें, एक्शन कैमराज इस तरह के जो एक्शन कैमराज है इसको यूज करें या फिर DSLRs यूज करें। देखिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो आपको हैंडी लगे या फिर जो अफोर्डेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत रिसर्च के बाद इसको सिलेक्ट किया था क्योंकि बहुत इजी कन्वीनियंट है, कहीं पर भी पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। तो खैर, मैं उन सारी चीजों में नहीं जाऊंगा, आज का मेन फोकस है इसके सेटिंग्स। एंड सेटिंग्स के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि ये एक स्मार्ट डिवाइस नहीं है। तो जैसे फोन है, जैसे फोन के कैमराज हैं, आजकल हर फोन के कैमरा में एक AI होता है, आपने देखा होगा बीच में AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि फोन अपने सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर लेता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है एंड उसके हिसाब से फोकस या क्लैरिटी जो भी आपको चाहिए वो उसमें डिसाइड कर लेता है। तो द फोन कैमरा इज अ स्मार्ट डिवाइस। इसमें वो प्रॉब्लम है कि दिस इज नॉट अ स्मार्ट डिवाइस, इसमें कोई इनबिल्ट AI नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जिसके वजह से अगर आप डायरेक्टली फैक्ट्री सेटिंग से इसको शूट करोगे तो रिजल्ट बहुत बेकार आने वाला है। तो इसमें आपको स्पेसिफिक सेटिंग्स में जाना पड़ेगा एंड वो मैं तुरंत आज कवर करूंगा एंड इसके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें इसका रेंज काफी अच्छा है, इनफैक्ट ये Hero 9 है, Hero 10 भी आ चुका है, बट देन अभी आई एम नॉट गोइंग टू Hero 10। 9 एक बहुत अच्छा डिवाइस है, तो इसके बारे में बात कर लेता हूँ। आपकी चॉइस है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे Insta360 degree भी है एंड देन DJI के भी एक्शन कैमराज है। सो हमको ये अच्छा लगा, मतलब दिस वॉज आर पर्सनल चॉइस टू पिक दिस अप, सो वी पिक्ड इट अप एंड वी हैव बीन गेटिंग सम वेरी गुड रिजल्ट्स। आप वीडियोस तो देख ही रहे होंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन को लंबा नहीं करेंगे, विल गेट स्ट्रेट इन टू द सेटिंग्स ऑफ GoPro टुडे। तो चलिए फटाफट इसके सेटिंग्स हम देख लेते हैं, कैमरा को ऑन कर लेते हैं एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर ही है। इसका एक ड्रॉप डाउन आता है, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। इसमें दो चीज़ है, कनेक्शंस एंड प्रेफरेंसेस। मैं प्रेफरेंसेस पहले टच करता हूँ। जनरल बीप वॉल्यूम को लो रखा है मैंने, क्विक कैप्चर को ऑन करके रखा है। क्विक कैप्चर का मतलब है यहाँ पे जो ऊपर रिकॉर्ड बटन है, इसको आप अगर GoPro अगर बंद भी है एंड आप इसको डायरेक्ट दबा देते हो तो वो वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट कर देता है। एंड बाकी के मैंने कुछ टच नहीं किए हैं, जो नॉर्मल सेटिंग्स है उसको मैंने वैसे ही रखा है। वॉइस कंट्रोल को मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, लैंग्वेज वगैरह पे मैंने ज़्यादा कुछ टच नहीं किया है। एंड एक आता है इसका डिस्प्लेज, तो स्क्रीन सेवर मैच रियर स्क्रीन, मतलब बैक स्क्रीन पे जो हो रहा है फ्रंट स्क्रीन में भी वही होगा। तो बेसिकली जब हम व्लॉग करते हैं वो हमको हेल्प करता है कि फ्रंट एंड बैक स्क्रीन में दोनों सेम चीज़ दिखता है हमको। ब्राइटनेस मैंने 45% पे रखा है एंड ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो फटाफट चले जाते हैं कनेक्शंस पे। वायरलेस कनेक्शन ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इससे थोड़ा बैटरी कंजम्पशन कम होता है। कनेक्ट डिवाइस में एक तो क्विक ऐप है और रिमोट है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। USB कनेक्शन, जब आप लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो मेक श्योर कि वो MTP में रहे। GoPro कनेक्ट में तभी आप जाओ जब आपको आपके फ़ोन पे डेटा निकालना है। तो अब हम तुरंत इसके शूटिंग मोड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिखा है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ 4-5 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड है, एक्टिविटी है, सिनेमैटिक है, स्लो मोशन है, आप ऐड भी कर सकते हो। तो ये जो पेंसिल वाला मार्क है इस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो रेजोल्यूशन, लेंस, हाइपर स्मूथ, स्केड्यूलिंग, ये सब मैं बाद में आता हूँ, पहले ये आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 4 मेजर ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, 1080p, 2.7K, 4K एंड 5K। मैंने आज तक 5K पे शूट नहीं किया है, आज वो भी कर लेंगे। तो तुरंत मैं ये आपको समझा देता हूँ, आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बता देता हूँ। 1080p 30fps मतलब एक सेकंड में 30 फोटोग्राफ। तो जब वीडियो बनता है तो वो फोटोग्राफ्स का एक मिक्सचर बन के एक वीडियो बनता है। 60fps मतलब एक सेकंड में
60 फ्रेम्स पर, जिसका मतलब 60 फोटोग्राफ्स। 1080p अगर आप 120fps करना चाहते हैं, बेसिकली ये जो 120 और 240fps है, इसको आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप स्लो मोशन वीडियोस शूट कर रहे हो, एंड 240 में तो आप अल्ट्रा स्लो मोशन, जैसे पानी गिर रहा है आप उसको शूट कर रहे हो, स्लो मोशन में उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर आग जल रहा है कहीं पे आप उसको शूट करना चाहते हो, तो आपको तब ज़रूरत पड़ेगा। के में हम आ जाते हैं तो क्लैरिटी हमारी और बढ़ जाती है, लेकिन इसमें लिमिटेशन 120 फ्रेम्स पर सेकेंड ही है, 240 तक शूट नहीं करने देता है। तो इसके दो ऑप्शन हैं, 60 और 120। 2.7 के 60 fps एक आइडियल सेटिंग है ब्लॉगिंग के लिए, क्लैरिटी भी अच्छी मिलती है एंड स्मूथनेस भी आपको वीडियो में बहुत अच्छा मिलता है। फोर के बहुत यूज़ किया जाता है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, 4K में मैं बहुत शूट भी करता हूँ, एंड 60fps और 30fps का ऑप्शन है, 24 frames per second का भी ऑप्शन है। मैं जनरली, मेरा चॉइस रहता है बिटवीन 60 और 30। व्लॉगिंग के लिए 4K 30fps काफ़ी अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है आपको एंड स्मूथनेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। फाइव के में सिर्फ 30 और 24 fps का शूटिंग का ही लिमिटेशन है। वापस चले जाते हैं, उसका जो नेक्स्ट है लेंस, तो लेंस में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो लीनियर प्लस होराइजन लेवलिंग, तो नैरो ऑप्शन है जो लेंस आपका नैरो हो जाएगा, ये थोड़ा फ्रेम बढ़ गया, फील्ड ऑफ व्यू आपका बढ़ गया, वो 19-34mm का हो गया, इसमें कोई फिश आई इफेक्ट नहीं है। आप इसके बाद सिर्फ लीनियर में आ सकते हो जो कि नॉर्मल एक फ्रेम व्यू फाइंडर है, आपका 90-39mm का व्यूइंग रेंज देता है। देन आ जाता है इसका वाइड एंगल, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह से वो ज़्यादा एरिया को कवर किया जा रहा है, एंड देन फाइनली उसका एक आता है सुपर व्यू विच इज़ 16mm। तो अब आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा रेंज मुझे शूटिंग के लिए मिल रहा है। मैं इसको आइदर वाइड में यूज़ करता हूँ या तो फिर लीनियर एंड होराइजन लेवलिंग को ही मैं यूज़ करता हूँ, तो आपकी मर्जी, मेरा चॉइस रहता है लीनियर प्लस होराइजन लेवलिंग। अगर मैं कहीं पे बाहर, जैसे मनाली के कुछ शूट्स वगैरह हम लोगों ने किए थे, तो हम लोगों ने उसको वाइड एंगल पे ही रखा था। कमिंग बैक अगेन, मैं हाइपर स्मूथ हमेशा ऑन रखता हूँ क्योंकि गिम्बल वाला जो इफेक्ट है वो हमको मिल जाता है, स्मूथ काफ़ी रहता है वीडियो, तो हिलता नहीं है। जैसे हम लोग कार में भी इसको फिट करते हैं तो जो जर्क्स होते हैं उसको वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है। आपका चॉइस है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा रहेगा आप इसको हाइपर स्मूथ को हाई या बूस्ट करके रखो। मैं हमेशा इसको बूस्ट ही रखता हूँ। शेड्यूल कैप्चर ऑफ है एंड हाइंडसाइट को भी मैंने ऑफ रखा है, टाइमर को भी मैंने ऑफ रखा है। प्रो ट्यून बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। बिट रेट मैं हमेशा इसको हाई ही रखता हूँ। वाह, बार बार वापस भाग जाता है, सॉरी।
यस, बिटरेट मेरा हमेशा हाई रहता है, शटर मैं ऑटो में ही यूज करता हूँ, ईवी कंपोनेंट जो है वो मेरा प्लस 5 है। आप इसको चाहो तो ऊपर नीचे कर भी सकते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल चॉइस है मैं इसको प्लस 5 में ही हमेशा रखता हूँ। वाइट बैलेंस इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है आप दिन के किस टाइम में आप शूट कर रहे हो, फिर रात को शूट कर रहे हो, इसमें भी आपका चॉइस है। आप इसको चाहो तो ऑटो में रख सकते हो, तो जो कलर्स हैं अच्छे आते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा जो पर्सनल चॉइस है मैं उसको हमेशा 5500 केल्विन पे ही इसको रख के शूट करता हूँ। ISO मैंने लाइट सेंसिटिविटी को बिल्कुल कम करके ही रखा हुआ है, एंड जो मैक्सिमम है वो मैंने इसको 1600 पे रखा है। इसको अगर आप कम कर दोगे तो प्रॉब्लम आपको नाइट में जब शूट करते हो तो तब होगा। मैं इसको पर्सनली इसको 1600 पे रखता हूँ। जनरली GoPro को नाइट में यूज़ करना बेकार है, मतलब इसको तो मैं नाइट में यूज़ करता ही नहीं हूँ, तो हम लोग जनरली फ़ोन ही यूज़ कर लेते हैं ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि ये दीज कैमराज आर नॉट मेंट फॉर नाइट शूटिंग। मतलब इसको आप नाइट शूट नहीं करो तो अच्छा है, वो मेरा सजेशन है। फिर भी अगर थोड़ी क्लैरिटी आपको चाहिए तो ISO को 1600 पे करके रखो। दिन में भी अच्छा रिजल्ट आता है, रात को भी ओके रिजल्ट आता है। शार्पनेस मीडियम है, आप चाहते हो तो आप इसको हाई रख सकते हो, मैं मीडियम ही रखता हूँ इसको। कलर एक है GoPro और एक है इसका फ्लैट, तो अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन में और कलर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, इसको फ्लैट में रख के आप शूटिंग करो। मेरा पर्सनल चॉइस है क्योंकि इसके कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको हमेशा GoPro में ही रखता हूँ। रॉ ऑडियो मेरा ऑफ है, आप चाहते हो ऑन कर सकते हो, एक और फाइल ऑडियो फाइल आपका एक सेपरेट ये क्रिएट कर लेता है, तो आप चाहते हो तो इसको हाई में रख सकते हो, क्लैरिटी अच्छी आती है। तो मैंने इसको फ़िलहाल के लिए बंद करके रखा है। विंड जब आप बाहर जाते हो शूट करते हो तो विंड रिडक्शन ऑफ रहना अच्छा है। अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आप अगर इसका इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ करना चाह रहे हो तो आइदर विंड रिडक्शन को ऑफ रखो, ऑन रखो, या तो फिर ऑटो पे रखो। मैं हमेशा इसको ऑन ही रखता हूँ। एंड बाकी ये शॉर्टकट्स में आप जहाँ पर जैसा चाहो आप रख सकते हो। वापस आ जाते हैं तो ऑन द स्क्रीन मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैंने लेंस को यहाँ पे रखा है तो होराइजन लेवलिंग या जो भी मुझे चाहिए मैं वो इमीडिएटली शिफ्ट यहीं से कर सकता हूँ, तो मैं इसको लीनियर एंड होराइजन लेवलिंग में ही रख रहा हूँ। 1x अगर मुझे स्लो मोशन शूट करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली शूट कर सकता हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पे अपने पर्सनल चॉइस से रखा हुआ है। एंड बूस्ट को ऑन या ऑफ, जो स्टेबिलिटी ऑन या ऑफ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो मैंने उसको, तो जैसे आप स्टेबिलिटी को ऑफ कर देते हो तो आपके पास ये जूम का ऑप्शन आ जाता है। जैसे जूम ज़्यादा होता तो है नहीं इसमें, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ जूमिंग टू मच, मतलब क्योंकि उतना खास कुछ है नहीं, तो मैं जनरली स्टेबिलिटी ऑन कर देता हूँ तो वो जूम का ऑप्शन अपने आप ऑफ हो जाता है। और एक ऑप्शन है जब आप स्क्रीन पे आ जाते हो तो लेफ्ट साइड वाला जो बटन है आप इसको अगर डायरेक्ट प्रेस करोगे तो टाइम लैप्स वीडियो एंड फोटो के बीच में आप टॉगल कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। टाइम लैप्स की सेटिंग्स हम देख लेंगे, टाइम वॉर्प कहते हैं ये लोग। तो टाइम वॉर्प पे मैंने पर्सनली जो रखा हुआ है, रेजोल्यूशन को मैंने 4K ही रखा है, आई डू नॉट प्रेफर 1080p। एंड इसके एडिट्स में जब हम जाते हो तो लीनियर प्लस होराइजन लेवलिंग, स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, यू कैन गो अप टू 30x, मैं 10x ही पसंद करता हूँ, मैंने 10x पे रखा। 30x आप तब शूट कर सकते हो जब आप रात की कोई वीडियो शूट कर रहे हो, मतलब अर्ली मॉर्निंग, वो अंधेरे से लाइट हो रहा, उजाला हो रहा है, तो आप 30x पे जाके शूट कर सकते हो। एंड बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ISO भी 100 पे ही है, मैक्सिमम ISO भी 1600 है, शार्पनेस हाई है, कलर GoPro है, तो इस तरह से मैंने इसको रखा है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। फोटो लीनियर में है, इसको आप चाहते हो तो आप
बढ़ा भी सकते हो वाइड में, ऐसा फिश आई इफेक्ट भी आएगा। आप इसको लिनियर रख सकते हो, आप इसको नैरो भी कर सकते हो। तो मैं जनरली इसको लीनियर पे रखता हूँ, ज़्यादा फोटोग्राफ्स हम लोग गोप्रो से लेते नहीं हैं तो एक्चुअली उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो ये रहा वीडियो का सेटिंग। जैसे मैंने कहा आपको, आप अगर स्लो मोशन में जाना चाहते हो तो स्लो मोशन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिनेमैटिक पे भी आप 4K 60 FPS ले सकते हो। तो यहाँ पे जो स्लो मोशन है मैंने देखी है 2.7K एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड ही रखा है और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो प्रोट्यून में ही मेजर है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं इसमें प्रोट्यून में आप चेंजेस कर लीजिए। ईवी कंपोनेंट मेरा कम करके रखा हुआ है, मैं ज़रा इसको बढ़ा देता हूँ। सो ये है बेसिक, आपको वैसे चाहिए आप अपनी शूटिंग्स इससे कंटिन्यू कर सकते हो। मैं वापस अपने स्टैंडर्ड सेटिंग्स में चले जाता हूँ। तो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड लीनियर प्लस हॉराइजन लेवलिंग, एंड साथ में एक बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा रखिए, क्योंकि एक फुल चार्ज पे आपको मैक्सिमम 1 to 1.5 hours का आप शूट कर सकते हो, उससे ज़्यादा शूट आप नहीं कर सकते। सो एक स्पेयर बैटरी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड जो भी थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज मुझे है इन कैमरा के बारे में, इस कैमरा के बारे में, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। कुछ अगर मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर ये सेटिंग्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके फुटेज को बेटर करने में, एंड ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो मैं 2.7K 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ, लीनियर और होराइजन लेवलिंग को यूज़ करके। हालांकि होराइजन लेवलिंग का ज़रूरत है नहीं इस वीडियो में, बट फिर भी। तो उम्मीद करते हैं आपके वीडियोस में, अगर आप इस कैमरा को परचेज़ करते हैं तो ये सेटिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो GoPro 10 में भी सिमिलर सेटिंग्स ही रहेंगे। जो भी है ये एक एक्शन कैमरा है, तो मैंने कोई भी एक्शन शॉट यहाँ पर दिखाया नहीं है। मैंने कुछ पुराने अपने वीडियोज़ में डेफिनेटली कुछ एंगल से एक्शन शॉट्स लिए हैं, तो इस वीडियो में मैंने कुछ एक्शन शॉट्स आपको नहीं दिखाया है। और एक कारण था जो कि हमने इस कैमरा को सिलेक्ट किया है अपने रेगुलर व्लॉगिंग के लिए भी, क्योंकि इसके सामने भी एक स्क्रीन है जो कि अभी मैं देख के डायरेक्टली बात कर पा रहा हूँ आपसे। GoPro 8 में जो इसका प्रीवियस वर्जन था उसमें ये ऑप्शन नहीं था। एंड और एक चीज़ है कि इसके सामने फ्रंट फेसिंग में भी एक माइक्रोफोन है एंड टॉप में भी एक माइक्रोफोन है, तो आगे पीछे आप कहीं से भी डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो एंड आपको अच्छी वॉइस क्लैरिटी भी मिलती है। डेफिनेटली आप अगर एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन इसका जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है वो सेल्फ सफिशिएंट है अच्छे रिकॉर्डिंग्स में। तो वही है कि उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम मिलते रहेंगे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। चलिए अभी के लिए गुड बाय।